से सपोज हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 1,50,000, तो जब हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाता है तो हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं और टैक्स उठाकर इसमें से माइनस कर लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये टैक्स कहाँ से आएगा, ताकि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही फिगर पे पहुंच जाए, ये टैक्स कहाँ से आया। तो देखिए नॉर्मली वैसे तो टैक्स निकालना मुश्किल काम है, लेकिन आसानी के लिए हम ये कहते हैं कि ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर टैक्स रेट लगा दें, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना टैक्स पे करना है। लेकिन ये जो टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर, ये टैक्स एक्चुअल टैक्स नहीं होता, ये टैक्स होता है एस्टीमेट। अब सवाल ये पैदा होता है ये एस्टीमेट क्यों होता है, क्योंकि ये टैक्स अथॉरिटी नहीं निकालती, ये कंपनी का अकाउंटेंट खुद कैलकुलेट करता है, टैक्स अथॉरिटी नहीं निकालती। सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि पहले आप टैक्स एस्टीमेट बनाएं और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपने सही एस्टीमेट कैलकुलेट किया, आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी क्या बनती। सो खैर, फॉर द टाइम बिंग हमने 50,000 का टैक्स एस्टीमेट किया, सही है, और ये एस्टीमेट हमने किया फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बना 31 दिसंबर 2019 को, ये 31 दिसंबर 2019 को हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना और हमारी टैक्स लायबिलिटी एस्टीमेटेड की बेसिस पर हमने कहा कि हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है 50,000 फॉर द ईयर 2019 की, 50,000 की टैक्स लायबिलिटी बनती है। टैक्स दिया कब जाएगा, तो टैक्स नॉर्मली ईयर एंड गुजरने के कुछ महीनों के बाद पे किया जाता है, हर कंट्री का अपना रूल होता है, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। फॉर एग्जांपल हमने ये एज्यूम किया कि एक्चुअल टैक्स पेमेंट जो हुई वो हुई 30th जून 2020 को, ये एज्यूम कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो टैक्स एस्टीमेट करेंगे उसकी एक एंट्री पास करेंगे कि ये टैक्स हम पे ड्यू हो चुका है, लेकिन ये टैक्स हमें 31 दिसंबर पे पे नहीं करना, ये टैक्स हम कब पे करेंगे, ये टैक्स हम ईयर एंड गुजर जाने के बाद पे करेंगे। सो 31 दिसंबर 2019 पर हमें एक एक्सपेंस बुक करना है, लेकिन अब तक हमने उसकी पेमेंट नहीं की। तो तुम लोगों ने अक्रूवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अक्रूड एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट तुमने पास्ट में पढ़ा होगा। तो हम 50,000 के टैक्स एस्टीमेट को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो उसकी एक सिंपल सी एंट्री पास करेंगे, टैक्स एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे 50,000 से। लेकिन क्या अभी ये टैक्स हमने पे कर दिया, 31 दिसंबर पे तो ये टैक्स ड्यू हो चुका है, लेकिन हमने तो पे नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लायबिलिटी बुक कर लेंगे, क्या बुक करेंगे, लायबिलिटी बुक करेंगे। तो हम कहेंगे टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल क्रेडिट। एक्सपेंस क्यों बुक किया, क्योंकि प्रॉफिट अर्न हो चुका है और उस प्रॉफिट पे इस साल टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन पेमेंट हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। तो हमने एक एक्सपेंस बुक कर लिया, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल क्रेडिट। ये एक्सपेंस चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां से माइनस हो गया, पेबल कहां जाएगा, पेबल चला गया आपकी बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी। करंट होगी नॉन करंट, करंट एंड नॉन करंट का कैसे पता लगता है, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसे हम 12 महीने के अंदर सेटल कर देते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसे हम मोर देन 12 महीने में सेटल करते हैं। तो टैक्स हमें देना है 5 महीने बाद 6 महीने बाद या 7 महीने बाद, तो ये करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा, सही है, ये अकाउंटिंग इस साल की कंप्लीट होगी। अब आपका नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ और आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट की, कौन कैलकुलेट करेगा, टैक्स अथॉरिटी बताएगी आपको कि आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी क्या है। अभी मैं अज्यूम कर लेता हूँ सिंपलीफिकेशन कि आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बनी 50,000, सेम, वैसे ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एस्टीमेट अलग होता है, लायबिलिटी ज्यादा भी हो सकती है, लायबिलिटी कम भी हो सकती है, सब पॉसिबल नहीं है कि सेम हो जाए। तो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी हमने 50,000 निकाल ली, जब लायबिलिटी पे ऑफ की जाएगी तो हम एंट्री पास करेंगे, लायबिलिटी पे ऑफ करेगी क्या एंट्री पास होगी, टैक्स पेबल को डेबिट किया 50,000 से, क्रेडिट क्या करेंगे, कैश क्रेडिट कर दिया जाएगा 50,000 से।
ये आपकी नेक्स्ट ईयर के अंदर समवेयर अराउंड जून के अंदर आपने इस तरह की पेमेंट की, आपकी लायबिलिटी सेटल हो। यहां तक किसी के माइंड में कोई सवाल? यहां से एक चीज हम ये सीखेंगे कि पहले टैक्स एस्टिमेट किया जाता है, पहले टैक्स अक्रू किया जाता है और उसके बाद पे ऑफ किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एस्टिमेट करते ही पे कर दिया जाएगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर अगर फॉर एग्जांपल एस्टिमेट कुछ और था और पेमेंट कुछ और हुई तो उसका क्या किया जाएगा? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई स्टार्ट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि एस्टिमेट अलग है और आपकी जो एक्चुअल पेमेंट है वो अलग है। आप अभी फिलहाल इस एंट्री पर फोकस करें, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल क्रेडिट। और ये टैक्स एस्टिमेट करके हमने किस में से निकालना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से एस्टिमेट माइनस होता है, एक्चुअल माइनस नहीं होता। एस्टिमेटेड टैक्स माइनस किया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,00,000 का है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ईयर एंड था 31 दिसंबर 2019, हमने टैक्स एस्टीमेट बनाया और हमारा टैक्स एस्टीमेट बना 1,50,000 का। 2019 में हमने एंट्री पास की टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, ये एंट्री हमने पास कर ली। लेकिन जब इसकी एक्चुअल पेमेंट आई तो उसकी एक्चुअल पेमेंट हमने की 30 जून 2020 को। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो एक्चुअल पेमेंट है वो ज्यादा भी हो सकती है और एक्चुअल पेमेंट जो है वो कम भी हो सकती है। दो सिनेरियो बन गए। एक्चुअल पेमेंट बनी 1,60,000 या एक्चुअल पेमेंट बनी 1,40,000। पहला सवाल जहन में ये आएगा कि एस्टीमेट और एक्चुअल पेमेंट में क्यों फर्क होता है। उसका ऑब्वियस सा आंसर है कि एस्टीमेट हम बनाते हैं लेकिन टैक्स वाले टैक्स के रूल्स के हिसाब से हमें बताते हैं कि आपकी लायबिलिटी जी 1,50 नहीं है, आपकी लायबिलिटी 1,60 है, आपकी लायबिलिटी 1,40 है। हमें देना क्या होगा? हमें देना वही है जो हमें एक्चुअल पे करना है। लेकिन हम तो एक एक्सपेंस बुक करके बैठे हैं। पिछले साल कितना एक्सपेंस बुक करके बैठे हैं? टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल क्रेडिट 1,50,000। लेकिन अगर मेरी लायबिलिटी 1,60,000 होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टैक्स एक्सपेंस जो हमने बुक किया हुआ है वो एक्सपेंस क्या हो गया? वो अंडरस्टेट हो गया पिछले साल। और अगर एक्सपेंस हमने बुक किया हुआ 1,50 का और एक्चुअल लायबिलिटी बनती है 1,40 की, तो पिछले साल का एक्सपेंस क्या हुआ हुआ है? पिछले साल का एक्सपेंस हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, तो टैक्स एक्सपेंस क्या हो गया पिछले साल का? ओवरस्टेट हो गया। इसके लिए जो टर्म बुक में इस्तेमाल होगी अंडरस्टेटेड के लिए, अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स, और ओवर एस्टिमेट्स के लिए इस्तेमाल होती है ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स। सो इट्स अंडर प्रोविजन एंड ओवर प्रोविजन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको मैं एडजस्ट कैसे करूं? 10,000 का मैंने टैक्स कम रिकॉर्ड किया, 10,000 का टैक्स मैंने ज्यादा रिकॉर्ड किया, व्हाट टू डू? एडजस्ट कैसे करूं? क्या पीछे जाके एडजस्ट करूं 2009 में 19 में? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पीछे जाके एडजस्ट करें। तो हमें जो एडजस्टमेंट करनी है वो एडजस्टमेंट हमें 2020 के ईयर एंड के ऊपर करनी है। सो पहले तो हम अंडर प्रोविजन और ओवर प्रोविजन का अमाउंट कैसे निकालते हैं? टैक्स एस्टीमेट पिछले साल का हमने बनाया 1,50,000, उसमें से माइनस कर दिया एक्चुअल टैक्स पेड। एक्चुअल टैक्स पेड ज्यादा था 1,60,000। 10,000 का जो आंसर आया दिस इज अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स। अब आप माइनस प्लस की लॉजिक से समझ जाएं या कॉन्सेप्ट समझें, इसी तरीके से हमने टैक्स एस्टीमेट बनाया 1,50,000 का, लेकिन एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 1,40,000 बनी। इसका मतलब है लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद ये जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है
इसको हम कहेंगे ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स। ओवर प्रोवाइड हो गया है, ओवर रिकॉर्ड हो गया, एक्सपेंस ज्यादा बुक हो गया पिछले साल, एक्सपेंस कम बुक हो गया पिछले साल, व्हाट टू डू नाउ, कैसे एडजस्ट करें इसको। तो हम पिछले साल में जाके तो एडजस्ट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हम जब हमारा 2020 आएगा, 2020 शुरू हुआ, 2020 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, 2020 का हमने टैक्स एस्टीमेट निकाला, 2020 का टैक्स एस्टीमेट आया 1,20,000, ये 2020 के प्रॉफिट पे कैलकुलेट हुआ। तो हम इस 2020 के टैक्स एस्टीमेट में लास्ट ईयर का अंडर प्रोविजन या ओवर प्रोविजन यहां जाके एडजस्ट करेंगे। अगर अंडर प्रोविजन होगा तो हम एक्सपेंस को बढ़ा देंगे, तो हमारा टैक्स एक्सपेंस 2020 में कितना हो गया, 1,30,000। और अगर ओवर प्रोविजन होगा तो 2020 का जो टैक्स एस्टीमेट बना होगा उस टैक्स एस्टीमेट के अंदर, क्योंकि हमने लास्ट ईयर ज्यादा टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया था, तो इस साल के टैक्स एस्टीमेट को हम कम कर देंगे और ओवर प्रोविजन जो होगा वो लेस हो जाएगा। इस साल हम पीएनएल में बुक करेंगे तो वो कितना होगा, 1,10,000। अंडर प्रोविजन हमारी टैक्स एस्टीमेट को बढ़ाता है, हमारे एक्सपेंस को बढ़ाता है, और ओवर प्रोविजन जो होगा वो हमारे एक्सपेंस को क्या कर देगा, कम कर देगा। ये टैक्स एक्सपेंस बुक होगा आपका 2020 में, या फिर आपका टैक्स एक्सपेंस बुक होगा 2030 में। इस पर किसी को कोई सवाल पूछना है तो क्लेरिफाई कर लें, ताकि फिर मैं आगे कैलकुलेशन पे जाऊं। बोले, वॉइस तुम्हारी अनम्यूट है सबकी, ट्राई करके चेक कर लो। एनी क्वेश्चन, सिस्टम समझ में आता है कि पहले टैक्स एस्टीमेट रिकॉर्ड होगा, फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, अंडर स्टेटेड अमाउंट निकालेंगे या ओवर स्टेटेड अमाउंट निकालेंगे। हाँ जी, अच्छा, अब जब हम इस साल का टैक्स एक्सपेंस निकालेंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना जाएगा, बैलेंस शीट में कितना बैलेंस जाएगा। सो देखें, अगर मैं पहली सिचुएशन पे फोकस करता हूँ या मैं दूसरी सिचुएशन पे फोकस करता हूँ, सो पहली सिचुएशन में ये टैक्स एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैक्स एक्सपेंस जाता है। दूसरी सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो टैक्स एक्सपेंस जाएगा वो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैक्स एक्सपेंस जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में जाती है लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी इज नॉट 1,30,000, लायबिलिटी इज 1,20,000। ये जो 10,000 हमने एडजस्ट किया है, ये पिछले साल के एक्सपेंस को एडजस्ट किया है। लायबिलिटी यहां भी कितनी रहेगी, लायबिलिटी है इस साल की, पिछले साल की लायबिलिटी तो हमने एडजस्ट करके खत्म कर दी, पेमेंट हो गई उसकी, लायबिलिटी सेटल हो गई। तो हमारी जो लायबिलिटी बनेगी वो 1,20,000 की लायबिलिटी बनेगी दोनों केसेस के अंदर, लेकिन हमारा जो एक्सपेंस होगा वो या तो 1,30,000 होगा या 1,10,000 होगा। फॉर एग्जाम्पल, tax estimate for the year ended December 31, 2018, 1,80,000। ये कंपनी ने अपना year ended 18 का tax estimate कैलकुलेट किया, इस साल का टैक्स उनको ये लगता है कि उन्हें ये देना है, सही है।
लास्ट ईयर देयर वॉज एंड अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स. पांच हजार से पिछले साल टैक्स हमने कम रिकॉर्ड किया था. कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 December 2018 एंड टैक्स पेबल एज एट 31 December 2018. ये बताएं 31 December 2018 में एक्सपेंस कितना होगा और 31 December 2018 के एंड पे लायबिलिटी क्या होगी. तो मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि टैक्स एस्टीमेट जो मैंने इस साल बनाया है ये तो एक्सपेंस हो गया. एक्सपेंस 180,000 का, लायबिलिटी 180,000 की. लेकिन पिछले साल का जो अंडर प्रोविजन गया है वो अंडर प्रोविजन इस साल एडजस्ट होगा. तो अंडर प्रोविजन हमने कितना अंडर प्रोविजन आया, अंडर प्रोविजन हमने ऐड कर दिया और हमारा एक्सपेंस कितना बना, एक्सपेंस एडजस्ट होके आया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, 1,85,000. लेकिन इस साल की हमारी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो कितनी है, बैलेंस शीट में हमारी टैक्स लायबिलिटी जाएगी 1,80,000. सो अंडर प्रोविजन हमारी लायबिलिटी को चेंज नहीं कर रहा, अंडर प्रोविजन हमारे एक्सपेंस को चेंज कर रहा है. चाहे ओवर प्रोविजन हो या अंडर प्रोविजन हो, हमारी लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लायबिलिटी होती है एस्टीमेट फॉर द ईयर, ये आपकी करंट ईयर की लायबिलिटी होती है. बस इतना सा कॉन्सेप्ट है टैक्स का जो तुम लोगों को दिमाग में रखना है कि अंडर प्रोविजन को कैसे एडजस्ट करेंगे और ओवर प्रोविजन को कैसे एडजस्ट किया जाएगा. अब जितनी हमने अब तक डिस्कशन की है उस डिस्कशन की बेसिस के ऊपर हम इस पोजीशन में हैं कि हम एक अदद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक अदद बैलेंस शीट कॉम्प्रीहेंसिव पूरी, जैसे 15 नंबर का सवाल आता है तो वो हम आराम से बिल्ड कर सकते हैं. आराम से कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हों तो ईजिली बन सकती है. जी सवाल, अंडर प्रोविजन का मतलब है अंडर एस्टीमेट, ओवर प्रोविजन का मतलब है ओवर एस्टीमेट. कोई चीज तुमने ज्यादा रिकॉर्ड कर ली तो मैं कहूंगा ओवर हो गया, कोई चीज तुमने कम रिकॉर्ड की तो हम कहेंगे अंडर हो गया. जब भी आप पहले एस्टीमेट बुक करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि एक्चुअल वैल्यू कभी ज्यादा भी हो जाती है और एक्चुअल वैल्यू कभी कम भी हो जाती है. तो हमें चेक करना है कि एस्टीमेट कितना बना था और एक्चुअल कितना आया. मसलन तुमसे मैंने पूछा कि यार एक जगह तुम्हें जाना है कितना खर्चा आएगा, तुमने कहा 1,000 रुपये दे दें और बाद में खर्चा आया 1,200 का, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने खर्चा कम एस्टीमेट किया था, 1,000 एस्टीमेट किया था, हालांकि खर्चा 1,200 का होना चाहिए था. सो हम एस्टीमेट पहले बनाएंगे फिर एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि अंडर है या ओवर है. स्टार्ट में मैंने ये क्लियर कर दिया था कॉन्सेप्ट. अब तुम लोगों को बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, अक्रूवल्स, प्री पेमेंट ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, तो इसकी बेसिस के ऊपर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन में सारी चीजें रिवाइज करने जा रहे हैं. देखते हैं किसको कितना कॉन्सेप्ट पता है, किसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, किसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसकी बेसिस के ऊपर हम बात करते हैं. ये है आपके पास एक क्वेश्चन, एक फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हमें दो चीजें कंस्ट्रक्ट करनी है. एक मुझे इनकम स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करना है और एक मुझे बैलेंस शीट कंस्ट्रक्ट करनी है. ये इसकी रिक्वायरमेंट आ गई और ये आ गया सवाल. इस तरह के सवाल प्रैक्टिस करने से आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होते हैं जब आप एक पूरा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं, तो MCQs आराम से मजे मजे से सॉल्व हो जाते हैं. सो हम एक पूरा कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो पे आएंगे तो पूरा कंप्लीट कैश फ्लो, फिर कंसोलिडेशन पे आएंगे तो पूरा कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, और फिर रेशियोज निकालेंगे. इसी पूरे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से रेशियोज निकलती. सो जब एक मरतबा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पूरा बनाओगे तो बनाना भी आ जाएगा और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा.
अच्छा मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों को बैड डेट्स का पता है, तुम लोगों को अक्रूवल्स का पता है, डेप्रिसिएशन का पता है, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को आती हैं, और जो नई चीज़ें तुमने सीखी हैं वो नई चीज़ें तुम, अच्छा रीवैल्यूएशन भी आता है तुम लोगों को, रीवैल्यूएशन लास्ट क्लास में मैंने पूछा था, सो यू सेड कि रीवैल्यूएशन हमें आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आता है, सही है। और तुम लोगों ने इन्वेंट्री का अगर टॉपिक पढ़ा है, तुम लोगों ने इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ा है, एनआरवी का कॉन्सेप्ट पढ़ा तुम लोगों ने, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनी आइडिया किस किस को पता है एनआरवी के बारे में, बताएं जी क्या पता है एनआरवी के बारे में, कहा अनम्यूट करो बताओ, व्हाट इज एनआरवी, व्हाट इज एनआरवी, तुम लोग अपना ये चेक करो, माइक तुम्हारा अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा यार, तुम लोगों ने क्या अपनी तरफ से बंद किया हुआ है, सब अपना माइक चेक करें, बाकी लोग अनम्यूट करके म्यूट करें इसको दोबारा, और अगर तुम्हारी तरफ से बंद पड़ा हुआ है तो इसको हाँ जी एनआरवी, व्हाट इज एनआरवी, हेलो आवाज आ रही है मेरी, देखें नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्लोजिंग स्टॉक जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को हमें चेक करना पड़ता है, रूल इज लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रूल क्या है, लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड करते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट की, उसकी कॉस्ट आ रही थी 10,000, आपने उसकी एनआरवी एस्टीमेट की, एनआरवी आ रही थी 12,000, किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, नॉर्मली कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि एनआरवी गिर जाती है, एनआरवी फॉल हो जाती है, एनआरवी फॉर एग्जाम्पल पहुंच गई 9,500 पे, अब किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो अब आपकी कॉस्ट कितनी है, अब आपकी कॉस्ट है 10,000 की, लेकिन आपकी एनआरवी कहाँ पहुंच चुकी है, एनआरवी पहुंच चुकी है 9,500 पे, और आपने इन्वेंट्री को 10,000 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो हम 500 से इन्वेंट्री का राइट डाउन रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू को 500 से कम करके लॉस बुक कर लेते हैं, इसको कहते हैं राइट डाउन टू एनआरवी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि बाज दफा आपकी इन्वेंट्री जो होती है वो स्लो मूविंग होती है, बाज दफ़ा इन्वेंट्री डैमेज हो जाती है, और बाज दफ़ा कोई और मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से उसकी एनआरवी जो होती है वो कम हो जाती है। एनआरवी अगर कैलकुलेट करनी है तो ये शायद तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा एनआरवी कैसे निकालते हैं, एनआरवी इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस estimated cost of completion and estimated cost of sales,
अगर कोई एसेट में बेचना चाहता हूँ तो उसको बेचने के बाद उसमें से कॉस्ट वगैरह डिडक्ट करने के बाद जो नेट अमाउंट रियलाइज होगा उसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये लोअर वाला कॉन्सेप्ट पहले से तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको मैं इस सवाल में इस्तेमाल करूंगा। अब चलते हैं सवाल के ऊपर और तफसील से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट क्या रिक्वायरमेंट है। हमें एक अदद इनकम स्टेटमेंट बनाना है और एक अदद बैलेंस शीट बनानी है सुकून से किसी कंपनी की। तो हम सवाल पे चलते हैं और जहां प्रॉब्लम हो डू लेट मी नो अबाउट, तो उसको हल करेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कंसिडर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जॉन क्रिस्ट अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एज एट 31 May 2010। 31 May 2010 पे बैलेंस शीट बनेगी। तो ट्रायल बैलेंस का डेटा आपके पास दिया हुआ है, तो आपके देखें ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं। उसमें वन बाय वन हम आइटम चेक करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, शेयर प्रीमियम, प्रॉपर्टी एक्सपेंस, ट्रेड पेबल्स, इंटरेस्ट, शेयर्स, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, सेल्स रेवेन्यू, कैश बैलेंस, ओपनिंग इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंस, मार्केटिंग, सैलरी, बैंक बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड, परचेजेस, लोन नोट्स, रिसीवेबल, लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो एक ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकम भी है, एक्सपेंस भी है, एसेट्स भी हैं, लाइबिलिटीज भी हैं, कैपिटल भी हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, क्योंकि ये एक अदद कंपनी का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ये तो आ गया ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में डालेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स, 1 से लेकर 8 तक की एडजस्टमेंट्स दी हुई है। सो ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट, हमारे पास डेटा आ जाएगा, उससे हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। अब वन बाय वन एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। देखिए पहली एडजस्टमेंट किस चीज की दी हुई है, पहली एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि इन्वेंट्री एट 31 May 2010 यानी ये क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 3,57,000 बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास जो मौजूद है वो 3,57,000 है कॉस्ट की बेसिस के ऊपर। हाउएवर 35,000 ऑफ दिस इन्वेंट्री इज नाउ ऑब्सोलीट। इस 3,57,000 में एक इन्वेंट्री मौजूद है जो 35,000 की कॉस्ट है और वो इन्वेंट्री अब ऑब्सोलीट हो गई है। एंड डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड टू सेल दिस इन जून 2010 फॉर अ कैश प्राइस ऑफ 25,000। तो अगर डायरेक्टर इसे बेच देंगे तो इसमें से जो सेलिंग प्राइस रियलाइज होगी वो होगी 25,000। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 35,000, बिकेगी 25,000 के ऊपर। इसका मतलब है एनआरवी हो गई कम, तो हमें उस एनआरवी को एडजस्ट करना है, सही है, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। सो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक टोटल पड़ा हुआ है 3,57,000। एक आइटम ऑफ स्टॉक है जो कि हमारे पास पड़ा हुआ है जिसकी कॉस्ट कितनी है 35,000, लेकिन उसे बेचेंगे तो वैल्यू कितनी रियलाइज होगी 25,000। कितना नुकसान हो गया, 10,000 का इन्वेंट्री राइट ऑफ करना पड़ेगा, राइट डाउन टू एनआरवी। तो इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करना पड़ेगा 10,000 से। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, इसकी एडजस्टमेंट ये होगी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो 10,000 से और बैलेंस शीट में स्टॉक को क्रेडिट कर दो 10,000 से, ताकि आपका स्टॉक 10,000 से कम हो जाए और बैलेंस शीट में या क्लोजिंग स्टॉक जहां पर भी मुझे चाहिए होगा उस क्लोजिंग स्टॉक की अब फाइनल वर्थ क्या होगी, 3,57,000 माइनस 10,000, रिमेनिंग वैल्यू जो जाएगी वो होगी 3,47,000। इस बात पे किसी को कोई एतराज है तो बोले, एतराज बताएं। ये है कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, जो कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने पढ़ा उसको हम एक सवाल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है। हाँ जी कमेंट करके बताएं कि जी कॉन्सेप्ट क्लियर है।
यार तुम लोगों में एक ही बंदा एक्टिव लग रहा है जिसको चैट करता है बताता है, मुस्तफा वसीम। चलो जुहैब भी आए, क्लियर, ठीक है। और बाकी बाकी लोग पता कैसे चलेगा? चले जी, गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ये पहली एडजस्टमेंट हो गई जिसका इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरी एडजस्टमेंट चेक करते हैं। वन डन, सेकंड पे आ जाए। मार्केटिंग एक्सपेंस ऊपर ट्रायल बैलेंस में चेक करें, मार्केटिंग एक्सपेंस है। वेयर इज मार्केटिंग एक्सपेंस? सो देयर इज मार्केटिंग एक्सपेंस, ये मार्केटिंग एक्सपेंस आपके पास है एंड दिस मार्केटिंग एक्सपेंस इज 65। मार्केटिंग एक्सपेंस 65 है आपके पास। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई चीज रिकॉर्ड है तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस में एक एक्सपेंस पड़ा हुआ है 65 का। एडजस्टमेंट में क्या कहा जा रहा है? द मार्केटिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स 10,000 विच रिलेट्स टू जून 2010। अकाउंट्स बन रहे हैं मई 2010 पे। एक एक्सपेंस ऐसा है जो कि जून से रिलेटेड है, इसका मतलब है एक्सपेंस पेड इन एडवांस। 10,000 का जो एक्सपेंस है वो एडवांस में पे हुआ हुआ है। क्या कहते हैं इसको? मार्केटिंग एक्सपेंस पेड इन एडवांस। अब ये कौन सा टॉपिक लग रहा है इसके अंदर? यस, यू आर राइट, प्रीपेमेंट। 10,000 से प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री सीखी है तुम लोगों ने? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट 10,000 और एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे तो मार्केटिंग एक्सपेंस 10,000 से कम हो जाएगा। और प्रीपेड कहां जाता है? प्रीपेड बैलेंस शीट में करंट एसेट साइड के ऊपर रिपोर्ट हो जाएगा। तो ये अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट वाले टॉपिक की एडजस्टमेंट आ गई। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3 पे चलते हैं। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस द अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5% ऑफ रिसीवेबल। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 5% पे लेकर आने हैं। बैड डेट्स वगैरह दिए हुए क्या? Is there any bad debts? Is there any bad debts? No bad debt is there. So trial balance में check करते हैं allowance है कितना, उसे 5% पे लेकर आना है। अब trial balance check करते हैं। Trial balance में कोई bad debts है? There is no bad debts. कोई bad debts नहीं है। So trial balance में allowance है। Trial balance में allowance check कर लेते हैं। तो trial balance में आपको allowance for doubtful debts या allowance for receivable नाम की कोई चीज नजर आ रही है? क्रेडिट साइड पे पड़ी हुई होगी। अलाउंस फॉर रिसीवेबल आपको नजर आ रहा है, ये रहा अलाउंस फॉर रिसीवेबल। 50,000 का अलाउंस बुक हुआ हुआ है और रिसीवेबल्स के बैलेंस हमें नजर आ रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमें नजर आ रहा है। इज देयर एनी अकाउंट रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल हमें नजर आ रहा है 1180। तो अब जो कॉन्सेप्ट है बैड डेट्स का और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का, वो कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं ताकि तुम्हें याद आ जाए। पास्ट देखें, बैड डेट्स जब आते हैं तो बैड डेट्स तो वो डेट्स होते हैं जो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो चुकी, कंफर्म हो चुके होते हैं, तो उसको तो हम एक्सपेंस में डाल देते हैं, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अलाउंस की जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। अकाउंट भी बना सकते हो तुम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस था 10,000 जो भी था, और उसको अलाउंस के क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करते हैं टीएफ। एज ए रिजल्ट एक ऑप्शन ये आ सकता है कि हमारे पास अलाउंस क्या हो जाए, इंक्रीज इन अलाउंस। अगर इंक्रीज इन अलाउंस आया तो हम उसको एक्सपेंस में डाल देते हैं, और अगर डिक्रीज इन अलाउंस आया
तो डिक्रीज इन अलाउंस का क्या करते हैं, डिक्रीज इन अलाउंस को इनकम रिकॉर्ड करते हैं। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स का। अब ऊपर वाले सवाल में हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड अलाउंस तो हमें गिवन है, ब्रॉड फॉरवर्ड अलाउंस पड़ा हुआ है 50 का, लेकिन कैरिट फॉरवर्ड अलाउंस नहीं दिया हुआ, और उसमें हमें कहा है कि डाउटफुल डेट्स का जो अलाउंस है वो 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल पे आ जाएगा, 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल पे आ जाएगा। तो हमने ट्रेड रिसीवेबल चेक किए, ऊपर ट्रेड रिसीवेबल है 1180, तो हमारे जो क्लोजिंग अलाउंस बनेगा वो है 5% ऑफ रिसीवेबल। तो हमने ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट किया, वो बन रहा है 1180। 1180 का कितना 5% अलाउंस है, कैलकुलेट करो क्या बनता है। इस सवाल से ना तुम लोगों के जो पिछले कॉन्सेप्ट हैं वो भी तुम लोगों को रिवाइज करने का मौका मिल रहा है। कितना बनता है, 59 बनता है। तो अलाउंस ऑलरेडी सेट हुआ है 50 के ऊपर ओपनिंग बैलेंस, अब अलाउंस कहां पहुंचाना है, अलाउंस पहुंचाना है 59 के ऊपर। इसका मतलब ये है कि हम जो एंट्री पास करेंगे वो 59 से पास नहीं करेंगे, एंट्री किससे पास होगी, एंट्री 9 से पास होगी, इंक्रीज इन अलाउंस बाय 9। और रिसीवेबल्स जो बैलेंस शीट में शो होगा वो क्या शो होगा, रिसीवेबल बैलेंस शीट में कितना रिसीवेबल जाएगा, बैलेंस शीट में रिसीवेबल जाएगा 1180 माइनस क्लोजिंग बैलेंस, 9 माइनस नहीं करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस माइनस करेंगे। सो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 1180 माइनस 59, 1180 माइनस 59, 1121, ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। और इसकी एंट्री कोई बताएगा क्या पास होती है, 9 की क्या एंट्री पास होगी, डाउटफुल डेट्स डेबिट 9, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 9। इंक्रीज इन अलाउंस की ये एंट्री होती है, और अगर डिक्रीज इन अलाउंस होता है तो उसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट कर देते हैं और डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर देते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई सब लोगों के, मैसेज कर दो फौरन अगर बैड डेट्स वाले कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, क्लियर है तो फौरन फटाफट। डन, चले वैसे भी इजी है। ओके मूव अहेड, तो ये 9 की एक एडजस्टमेंट हमने यहां पर पास कर दी, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हमें देखनी है, तीन एडजस्टमेंट हमारी हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देयर आर वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑफ 55,000 फॉर द ईयर एंडेड मई 2010। वेजेस एंड सैलरीज 55,000 से आउटस्टैंडिंग है, ट्रायल बैलेंस में चेक करें वेजेस एंड सैलरीज है, तो आपको ट्रायल बैलेंस में एक अदद वेजेस एंड सैलरीज नजर आ रही हैं, एंड दैट वेजेस एंड सैलरीज इज 878। ये ट्रायल बैलेंस में आपकी वेजेस एंड सैलरीज है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मूव ऑन, तो वेजेस एंड सैलरीज हमारे पास मौजूद हैं, ट्रायल बैलेंस में दी भी है। अब ये कह रहा है कि वेजेस एंड सैलरीज जो आपके पास आ रही हैं उसके अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज है। सो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कहते हैं अक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इज अक्रूड एक्सपेंस। तो 55,000 से वेजेस एंड सैलरीज को डेबिट करेंगे
55 से वेजेस एंड सैलरीज को डेबिट कर दिया, आउटस्टैंडिंग है। क्रेडिट क्या होगा? वेजेस एंड सैलरीज पेबल, क्योंकि अभी पे नहीं हुआ तो एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ, और ये वेजेस एंड सैलरीज पेबल के नाम से ये बैलेंस शीट में चला जाएगा लायबिलिटी साइड के ऊपर एज अ करंट लायबिलिटी। तो ये अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का एक और एडजस्टमेंट सवाल के अंदर हमने डिस्कस कर ली कि वेजेस एंड सैलरीज डेबिट एंड वेजेस एंड सैलरीज हमारी क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। डेप्रिसिएशन सबको आता है नॉर्मली। सो हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास मोटर व्हीकल है, हमारे पास फर्नीचर है, और ट्रायल बैलेंस में अगर हम देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग, लैंड, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, इन सब की कॉस्ट दी हुई है, और बिल्डिंग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, मोटर व्हीकल दिया हुआ है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो आपको डेप्रिसिएशन का मेथड पता होना चाहिए ताकि आप इस साल का डेप्रिसिएशन निकालें। एक्यूमुलेटेड मतलब पिछले साल का डेप्रिसिएशन, इस साल का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का, मोटर व्हीकल का और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का। एक नजर ट्रायल बैलेंस पर डाल के ये चेक कर लेते हैं कि कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस तो हमारे पास मौजूद नहीं है, पिछले सालों में कोई एसेट रीवैल्यू हुआ। तो हमने ट्रायल बैलेंस को ओवरव्यू किया तो इसमें कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर फाइव पे। पॉइंट नंबर फाइव सेज दैट बिल्डिंग आर डेप्रिशिएटेड एट 5% ऑफ कॉस्ट। बिल्डिंग 5% का डेप्रिसिएशन रेट है, किस पे लगेगा? कॉस्ट पे लगेगा। कॉस्ट पे लगने का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। एट 31 May 2010 द बिल्डिंग्स वर प्रोफेशनली वैल्यूड एट 2.3 million। ईयर एंड के ऊपर बिल्डिंग को रीवैल्यू किया गया और उसकी मार्केट वैल्यू आ गई 2.3 million, इसमें रीवैल्यूएशन भी आ गया। एंड द डायरेक्टर्स विशेस दिस वैल्यूएशन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस अकाउंट। क्या लैंड डेप्रिशिएट होती है? लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। सो लैंड तो हम ओरिजिनल वैल्यू पे रखेंगे, लेकिन बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और हाँ, लैंड नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं होती, वो एक अलग एग्जाम्पल है कि कौन सी टाइप्स ऑफ लैंड होगी, लेकिन लैंड को देखकर पहला जो मेरे दिल में ख्याल आया वो यही आता है कि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, क्योंकि हम उसकी टाइप्स पर नहीं जा रहे कि कौन सी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, माइनिंग की लैंड और ऑयल एंड गैस निकालते हैं, वो एक अलग बहस है, डिबेट अलग है। तुम लोगों के सिलेबस में क्या है? लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती। अच्छा, अदर डेप्रिसिएशन जो आपको चार्ज करना है उसमें मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन है 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का मेथड है स्ट्रेट लाइन 20% ऑन कॉस्ट। तो अब हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन सरप्लस, वेरी टेक्निकल एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले तो हम बिल्डिंग का पोस्टमार्टम करते हैं और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन निकालते हैं। बिल्डिंग की ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो मैं ले लेता हूं। तो बिल्डिंग की ट्रायल बैलेंस के अंदर एक अदद कॉस्ट दी हुई है, बिल्डिंग की कॉस्ट आ रही है हमारे पास 962, बिल्डिंग की कॉस्ट है 1940। सो बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई 1940, और बिल्डिंग का हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना रखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ द ईयर के ऊपर, वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का पड़ा हुआ है 468, ये हमने अलग कर दिया, और बिल्डिंग की परसेंटेज है डेप्रिसिएशन की 5% ऑन कॉस्ट। इस साल हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 5% के ऊपर, बिल्डिंग इज 5% ऑफ कॉस्ट। तो हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालते हैं इस साल का, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कॉस्ट पे परसेंटेज लगा दें। तो 1940 डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना? 5% ऑन कॉस्ट।
सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का कितना बनेगा, 1940 इंटू 0.05, 97 का डेप्रिसिएशन हमें बुक करना है, डेप्रिसिएशन डेबिट 97, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 97, सो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, पिछले सालों का कितना पड़ा हुआ है, पिछले सालों का पड़ा हुआ है 468, इस साल का डेप्रिसिएशन आया 97, ऐड करें तो 565 का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। अब निकालते हैं बुक वैल्यू, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग थी 1940, इसमें से माइनस कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर एंड तक का, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया 565, सो बुक वैल्यू आ गई या कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं इसको, 1940 माइनस 565, 1375 की बुक वैल्यू आ गई। अच्छा, ये जो बुक वैल्यू आई है ये बुक वैल्यू जानी चाहिए थी बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन उसने हमें कहा कि हमने इस एसेट को रीवैल्यू कर दिया है, तो जब ये एसेट पड़ा हुआ है 1375 के ऊपर, तो अब अगर ये रीवैल्यू होगा तो हमें बुक वैल्यू को किससे कंपेयर करना है, हमें बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना है, रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करना है, वो हमें सवाल में दिया हुआ है और वो है 2.3 मिलियन, यानी कि 2300। सो 2300 का रीवैल्यूड अमाउंट दिया हुआ है, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब है सरप्लस आ गया, कितना सरप्लस आएगा, सरप्लस आ गया 9,25,000 का सरप्लस आ गया, इसे कहते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। कोई एंट्री बताएगा इसकी क्या बनती है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ जाएगा, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में जाता है और ओसीआई से ये उठकर बैलेंस शीट में रिजर्व साइड के ऊपर चला जाता है। इसकी एंट्री क्या पास होती है रीवैल्यूएशन सरप्लस की, अच्छा बिल्डिंग जो है वो अब बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू के ऊपर रिपोर्ट होगी, तो बिल्डिंग की बैलेंस शीट की वैल्यू क्या होगी, 2.3 मिलियन मार्केट वैल्यू पे शो करेंगे, और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो होगा वो बैलेंस शीट में रिजर्व साइड के ऊपर चला जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की लाइन है उसमें हमारे पास मोटर व्हीकल है और मोटर व्हीकल के साथ हमारे पास फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स है, सो हम नेक्स्ट डेप्रिसिएशन निकालते हैं, मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। ये क्या होता है रिड्यूसिंग बैलेंस, स्ट्रेट लाइन का तो मतलब होता है कांस्टेंट डेप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग का क्या मतलब होता है, रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो डेप्रिसिएशन रेट लगेगा वो कॉस्ट पे नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा बुक वैल्यू के ऊपर, और बुक वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें बुक वैल्यू आ जाएगी। तो मोटर व्हीकल की कॉस्ट आइडेंटिफाई करें ट्रायल बैलेंस में से, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करें, और फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर हम बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट लगाएंगे। सो कॉस्ट हमारे पास कितनी है, मोटर व्हीकल की कॉस्ट है हमारे पास 312 और 104 का डेप्रिसिएशन है, 312 और 104 का डेप्रिसिएशन, तो उसकी बुक वैल्यू ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई 312 माइनस 104, 208 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बुक वैल्यू आ गई, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना कैलकुलेट होगा, सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का मोटर व्हीकल के ऊपर कैलकुलेट होगा 208 मल्टीप्लाई बाय 25% पर एनम,
25% की डेप्रिसिएशन डाला, 208 इंटू 0.25, सो 52 का डेप्रिसिएशन आ गया। बिल्डिंग का भी ऊपर हमने डेप्रिसिएशन निकाला है, वो भी पीएनएल में जाएगा। मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन है, वो भी पीएनएल के अंदर जाएगा। और बैलेंस शीट में आफ्टर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 208 में से 52 माइनस किया, सो नेट बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन 156 बैलेंस शीट के अंदर मोटर व्हीकल रिपोर्ट होगा। क्योंकि हमें एंड में बैलेंस शीट बनानी है, तो हम साथ साथ बैलेंस शीट के अमाउंट भी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, और फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो हमें दिया हुआ है उसका डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट। मैं ट्रायल बैलेंस से क्या फाइंड आउट करूंगा, कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा और उसे 20% से मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन निकाल लूंगा। तो ट्रायल बैलेंस में मोटर व्हीकल के बाद फर्नीचर दिया हुआ है 1560 का, 1560 कॉस्ट दी हुई है 1560। डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1560 मल्टीप्लाई बाय 20%, सो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 20% निकाल कर 1560 इंटू 0.2, 312 का डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सवाल में मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 546। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ था 546, टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 546 प्लस 312, बुक वैल्यू क्या बनेगी, 1560 की ओरिजिनल कॉस्ट थी, 858 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर एंड तक, 702 की बैलेंस शीट वैल्यू आ गई। तो इजी ना, ये कोई डेप्रिसिएशन का वो पार्ट नहीं कर रहे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह कोई निकालना तुमने सीखा होगा, जस्ट अ सिंपल एक्सप्लेनेशन, बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन, गेन और लॉस भी आ सकता है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें भी आ सकती हैं। अब उसके बाद हमारी कोई एडजस्टमेंट लेफ्ट ओवर रहती है। पॉइंट नंबर 6 हमने पूरा कवर कर लिया। पॉइंट नंबर 8 कहता है इस साल कंपनी ने कोई डिविडेंड ना दिया ना डिक्लेयर किया, चले जान छूटी डिविडेंड से, वरना इसकी भी एंट्री पास करनी पड़ती। टैक्स हमने इस साल 200,000 का प्रोवाइड किया है, प्रोवाइड करने का मतलब एस्टिमेट बनाया है, जो हमने आज बिगिनिंग में स्टार्ट किया था कि इस साल का हमारा टैक्स एस्टीमेट कितना है, 200,000 का हमने एक्सपेंस बुक किया है, एस्टीमेट बनाया है। जब भी टैक्स एस्टीमेट की एंट्री बनाई जाए तो ट्रायल बैलेंस में चेक कर लिया जाए कोई टैक्स दिया हुआ तो नहीं है, अंडर या ओवर प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा। सो ट्रायल बैलेंस में अगर कुछ भी ना दिया हुआ हो तो इसका मतलब होता है देयर इज नो अंडर और ओवर प्रोविजन, कोई अंडर और ओवर प्रोविजन नहीं। सुहैब मुस्तफ़ा फिजिकल क्लासेस तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कब स्टार्ट होगी। खैर, तो अब मुझे ट्रायल बैलेंस में तो कोई टैक्स नजर नहीं आया, इसका मतलब है एज्यूम बात है कि अंडर और ओवर प्रोविजन बिल्कुल भी नहीं है। तो टैक्स एस्टीमेट 200,000 की मुझे सिंपल सी एडजस्टमेंट पास करनी है, तो मैंने टैक्स एस्टीमेट की एडजस्टमेंट पास की। टैक्स हमें प्रोवाइड करना है 200,000 का, तो टैक्स एक्सपेंस को हमने डेबिट किया और टैक्स पेबल को क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट देखें, अकाउंटिंग के अंदर ना एमसीक्यू सॉल्व करके अकाउंटिंग नहीं आती। अकाउंटिंग अगर सही ग्रिप अकाउंटिंग पे लेकर आनी है तो इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस 2, 3, 4, 5 हर टॉपिक के प्रैक्टिस होने चाहिए, ताकि यू नो दैट के एंट्रीज क्या होती हैं, अफेक्ट क्या होते हैं, टी अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब ये कॉम्प्रिहेंसिवली हमने ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट किया, ये सारी एडजस्टमेंट आ गई,
सारी एडजस्टमेंट पास करने के बाद अब मुझे फाइनल रिक्वायरमेंट पे जम करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है 31 मई 2010 का और बैलेंस शीट बनानी है एज एट 31 मई 2010। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं। इनकम स्टेटमेंट अब इससे पहले शायद तुम लोगों ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट इट माइट बी पॉसिबल के बनाया हो। इनकम स्टेटमेंट में हम एक फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हम लेंगे सेल्स। तो सेल्स मैंने जाके देखी, तो मुझे रेवेन्यू या सेल्स देखनी पड़ेंगी। अब मैं पूरा पहले देख लेता हूँ एक नजर ट्रायल बैलेंस में। डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ इनकम है, प्रीमियम बैलेंस शीट में जाएगा, प्रॉपर्टी एक्सपेंस पीएनएल में जाएगी, पेबल बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट पीएनएल में, ऑर्डिनरी शेयर्स बैलेंस शीट में, रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट में, अलाउंस बैलेंस शीट में, सेल्स रेवेन्यू 7515, कैश बैलेंस, इन्वेंट्री ओपनिंग, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग, वेजेस, बैंक, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड? ट्रेड पेबल, परचेजेस, लोन नोट्स, रिसीवेबल एक्सपेंस। अच्छा यार बैड डेट्स दिया हुआ है, रिसीवेबल एक्सपेंस दिए हुए हैं इसके अंदर ना, बैड डेट्स हमें नजर नहीं आया लेकिन बैड डेट्स है इसके अंदर, रिसीवेबल एक्सपेंस बैड डेट्स को ही कहते हैं। ठीक है, रिसीवेबल एक्सपेंस भी दिए हुए हैं। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होती है, यस यू आर राइट, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होती है। ठीक है, सेल्स में से माइनस हो जाएंगी। लैंड दिया हुआ है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और बाकी हमने जो एडजस्टमेंट्स पास की। ठीक है, डन। तो अब हम इनकम स्टेटमेंट के इसमें से आइटम उठाएंगे। सेल्स रेवेन्यू है 7515, सेल्स रेवेन्यू है 7515। एक सेकंड, मैं जरा क्वेश्चन जो है ना वो, तुम लोग चाहो तो इसकी एक पिक्चर ले लो क्वेश्चंस की, ताकि जो क्वेश्चन है वो मुझे बार बार जो ना रेफर ना करना पड़े। तो क्वेश्चन की मतलब फिर बार बार हमें क्वेश्चन को रेफर करना पड़ता है तो इसमें फिर आ जाती है प्रॉब्लम। चलिए, ताकि डायरेक्ट बस जो है ना वो सवाल सॉल्व किया जाए। चलिए जी, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए जब हमने ट्रायल बैलेंस में रेवेन्यू चेक किया, सेल्स चेक की, तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर रेवेन्यू दिया हुआ है 7515 का। इसमें से हमने सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दिया, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। ट्रायल बैलेंस में रिटर्न इनवर्ड हमें दिया हुआ है 124 का, ये 124 का रिटर्न इनवर्ड हमने इसमें से माइनस कर दिया, नेट सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, ये नेट सेल्स उठाकर आपने एक साइड में लिख दी कि हमारी नेट सेल्स आ गई 7515 माइनस 124 7391, ये हमारी नेट सेल्स आ गई। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए परचेजेस आती हैं, क्लोजिंग स्टॉक आता है, वेजेस एंड सैलरीज, डेप्रिसिएशन, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा या एक्सपेंस में जाएगा? ये कैसे पता लगता है कि वेजेस एंड सैलरीज कहाँ जाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएंगी, क्या होगा? जब तक सवाल के अंदर कुछ क्लियर कट आइडिया ना दिया हुआ डेप्रिसिएशन वगैरह के बारे में, तो हम इसको एक्सपेंस में ही लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जो परचेजेस दी हुई है वो दी हुई है, अच्छा ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दिया हुआ है 455 का,
ओपनिंग स्टॉक हमने सवाल में से लिया 455, परचेजेस हमें दी हुई हैं 4641। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक लेना है हमें। क्लोजिंग स्टॉक की हमने एक एडजस्टमेंट पास की थी, तो उसकी एक वर्किंग हमने की थी, वर्किंग पे चलते हैं। वर्किंग सबसे पहली वाली जो क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग की थी, उसमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होकर आ गया था 3,47,000, दिस वन एनआरवी के बाद 3,47,000। ये यहाँ से माइनस कर दें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये FA2 में या F3 की बिगनिंग बेसिक्स में तुम लोगों ने ये एरिया कवर किया हुआ होगा, 4749। सो 4749 का COGS, सेल्स में से COGS माइनस करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट 4749। मैं इस तरह का एक दो सवाल तुम लोगों को दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसलिए ये सवाल अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अब जितने भी मेरे सवाल में एक्सपेंसेस हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, एडजस्टमेंट्स के अंदर, उन सबको यहाँ से माइनस करके अदर इनकम इसमें ऐड करूंगा और हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर आ जाएगी। सो वन बाय वन मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्सपेंसेस देखने शुरू किए। तो पहला एक्सपेंस मुझे ट्रायल बैलेंस में नजर आया, प्रॉपर्टी एक्सपेंस। प्रॉपर्टी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है 130 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके साथ। उसके बाद दूसरा एक्सपेंस मुझे नजर आया लोन इंटरेस्ट का, लोन इंटरेस्ट दिया हुआ है 43 का। उसके बाद तीसरा एक्सपेंस मुझे नजर आया बैड डेट्स का और डाउटफुल डेट्स का, तो मैं एक साथ लिख देता हूं, चले अलग कर देते हैं बैड डेट्स। रिसीवेबल का एक्सपेंस हमारा था 195। उसके बाद इंक्रीज इन डाउटफुल डेट्स, ये डाउटफुल डेट्स की हमने एंट्री पास की थी, उसके लिए मुझे डाउटफुल डेट्स की अमाउंट को रेफर करना पड़ेगा। 9 से मैंने डाउटफुल डेट्स बढ़ाया था, ये डाउटफुल डेट्स आ गया, यहाँ मैंने रेफर कर दिया वर्किंग नंबर 2 को। उसके बाद हमारे पास सेल्स रेवेन्यू, कैश इन्वेंट्री, ओपनिंग ले चुके, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 366, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 366 ये आ गए। उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंस आ गया 65 का। मार्केटिंग एक्सपेंस के अंदर हमने 10 की प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट पास की थी, तो 65 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, 10 की एडजस्टमेंट थी, मार्केटिंग एक्सपेंस 55 हो गया एडजस्ट होकर। मार्केटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद वेजेस एंड सैलरीज एडजस्टमेंट चेक करनी पड़ेगी, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी। तो वेजेस एंड सैलरीज ट्रायल बैलेंस में 878 दिया हुआ है और हमने एक एडजस्टमेंट पास की थी वेजेस एंड सैलरीज की 55 से, तो वो 55 इसके अंदर ऐड कर देते हैं। नाइन थर्टी थ्री का हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज एडजस्ट होकर आ गई। उसके बाद बैंक बैलेंस दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड हम ऑलरेडी ले चुके हैं, रिसीवेबल्स परचेजेस लोन नोट्स की फिगर दी हुई है, रिसीवेबल एक्सपेंस है लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद अब लैंड एंड बिल्डिंग का नाम आया तो डेप्रिसिएशन हमारे दिमाग में आ गया। डेप्रिसिएशन हमने 3 चीज़ों पर निकाला था, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन किसका था, डेप्रिसिएशन पहले आया था बिल्डिंग का, उसके बाद डेप्रिसिएशन आया था व्हीकल का, उसके बाद फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आया था। अब इसके लिए वर्किंग चेक करनी पड़ेगी फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का कितना आया था, 97 52। सो 97 52 और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आया था 312। आप अपनी वर्किंग में से चेक कर सकते हैं, ये हमने डेप्रिसिएशन ले लिया, डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट हो गया।
डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास, अच्छा एक 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 अदद, एक अदद मिस्टेक हुई है, एक अदद मिस्टेक हुई, मैं एनआरवी लेना भूल गया। एनआरवी हमारी 10,000 से अफेक्ट हुई थी, तो एनआरवी का जो अफेक्ट होगा ना वो हम क्लोजिंग स्टॉक में डालते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन को एक फ्री करते हैं, थोड़ा सा मैं क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को यहाँ पर, अच्छा ले ली ना मैंने, और थी आई थिंक मैंने वर्किंग नहीं की थी, 347 में एडजस्ट हुआ है ना, डन डन डन, सही है सही है, सेट है, वैल्यू इंटैक्ट है, सही है वैल्यू, गलत नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये सारा डेटा आ गया, एनआरवी की कैलकुलेशन, मार्केटिंग एक्सपेंस, बैड डेट्स, वेजेस एंड सैलरीज, बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन। इतने बड़े सवाल में देयर आर लाइकली चांसेस कि आप कुछ भूल जाए, जैसे टैक्स एक्सपेंस अभी बाकी है, तो टैक्स एक्सपेंस तो मैं एंड में एडजस्ट करूंगा। तो हमने ये सारे एक्सपेंस लिए, अच्छा एक्सपेंस निकाल लिए एक तरफ ना, ये सारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस का टोटल कर लेते हैं, और डिस्काउंट रिसीव भी मुझे याद पड़ता है हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ था, उसको भी ये डिस्काउंट लेते हैं अभी। पहले एक्सपेंस एक साइड पे कर दूं, 195.9, पहले मैनुअल एग्जाम हुआ करते थे तो इस तरह से वर्किंग भी शो करनी पड़ती थी, गलतियां होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। 2192, हो सकता कोई मिस्टेक हो जाए, 2192 का एक्सपेंस निकला, ये एक्सपेंस 2192 का हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। अच्छा उसके बाद इसके अंदर एक इनकम है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट देते हैं तो एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट लेते हैं तो इनकम होती है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास मौजूद है ट्रायल बैलेंस की पहली लाइन में 65 का, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। सो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सपेंसेस माइनस हुए, इनकम ऐड हुई, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कुछ अगर रह गया होगा तो आई विल शेयर द सॉल्यूशन एज वेल, तुम लोगों को एक ऑफिशियल इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा ताकि प्रॉपर तुम लोग मेरी भी कैलकुलेशन चेक कर लो और एक नज़र देख भी लो। 2192 + 65, सो हमारा 515 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। टैक्स एक्सपेंस सवाल में दिया हुआ था 2,00,000, टैक्स एक्सपेंस डेबिट किया था, टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट की थी, 2,00,000 माइनस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 315। ये एक अदद हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब एक नज़र दोबारा सवाल पे चलते हैं। एक लॉन्ग ट्रायल बैलेंस था हमारे पास, लॉन्ग एडजस्टमेंट्स थी, और उन दोनों को कंबाइन करके हमने आज ये पूरा स्टफ अपना कैलकुलेट किया। ये ट्रायल बैलेंस, अब इस ट्रायल बैलेंस में से इनकम और एक्सपेंसेस सारे होपफुली मैं ले चुका हूँ, और एडजस्टमेंट में भी इनकम और एक्सपेंसेस का जो इम्पैक्ट आना था वो मैंने इसमें मिटिगेट किया, नेट ऑफ किया, और नेट ऑफ करके ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर तक हम पहुँच गए, और ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 315। रीवैल्यूएशन सरप्लस हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में लेके जाएंगे जो हमने इस साल निकाला था। अब थोड़ा सा टाइम हमारे पास है तो पार्शियल एक बैलेंस शीट इसकी बन सकती है। बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज होती हैं, कैपिटल होता है। तो सबसे पहले एसेट साइड, एसेट साइड के अंदर नॉन करंट एसेट्स पहले आते हैं नॉर्मली। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास लैंड मौजूद है, बिल्डिंग मौजूद है इस सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर हमारे पास व्हीकल मौजूद है, और इस सवाल के अंदर हमारे पास फर्नीचर मौजूद है। ये चार नॉन करंट एसेट्स हमारे पास मौजूद है। अच्छा बिल्डिंग व्हीकल की तो मैंने वर्किंग में बुक वैल्यू निकाल ली थी, लैंड मुझे सवाल के अंदर दी हुई है, सवाल के अंदर लैंड हमारे पास जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है 962 की लैंड दी हुई। सो हमने लैंड ले ली 962 की। बिल्डिंग में हमारी जो भी वर्किंग थी बिल्डिंग वगैरह की, वो वर्किंग रेफर मैंने यहाँ किया, और बिल्डिंग का बैलेंस चेक कर लेते हैं। बिल्डिंग का बैलेंस कितना आ रहा था, 2300। बिल्डिंग रीवैल्यू हुई थी ना, 2300।
मोटर व्हीकल की बुक वैल्यू आ रही थी, मोटर व्हीकल की बुक वैल्यू आ रही थी 156, 156। फर्नीचर की बुक वैल्यू आ रही थी 702, क्या आप इससे ले सकते हैं 702। और कोई नॉन करंट एसेट अगर कोई होता तो वो हम उसको ऑब्वियसली कंसीडर करते, लेकिन सवाल में यही नॉन करंट एसेट्स दिए हुए, तो हमने इनको टोटल किया तो हमारे पास टोटल नॉन करंट एसेट्स आ गए 962, 2300, 156 प्लस 702, सो हमारे टोटल नॉन करंट एसेट्स आ गए 4120। अच्छा जी, उसके बाद अगली हमारी हेडिंग होती है करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स के अंदर तुम लोगों को पता है करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? करंट एसेट्स के अंदर आपके पास स्टॉक आएगा, इन्वेंट्री आएगी, क्लोजिंग स्टॉक, रिसीवेबल्स आएंगे, उसके बाद आपके पास प्रीपेमेंट्स आएंगी, प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, और उसके बाद अगर कोई कैश एट बैंक दिया हुआ है तो वो कैश एट बैंक का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। अब ये सारी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर से हमको जज करनी है। क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने एडजस्टमेंट में डाला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक है 347, वो तो यहाँ से उठा लिया हमने 347। रिसीवेबल्स का जो बैलेंस है वो मैंने एडजस्टमेंट में निकाला था, एडजस्टमेंट रिसीवेबल की चेक करनी पड़ेगी। रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस ये रहा, देखेंगे ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था आफ्टर बैड डेट्स, या अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस 1121, 1121। प्रीपेड हमने मार्केटिंग एक्सपेंस के अंदर डाले थे प्रीपेड, तो चेक कर लेते हैं। प्रीपेड हमारा था मार्केटिंग एक्सपेंस का 10,000 का, 10,000 का प्रीपेड लिया। बैंक बैलेंस हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा हमें, बैंक बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है ना, कैश बैलेंस भी हो सकता है, तो यहाँ पर कैश बैलेंस भी दिया हुआ और बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है, और बैंक बैलेंस नेगेटिव दिया हुआ है, कैश बैलेंस पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पॉजिटिव कैश बैलेंस ले लिया, बैंक बैलेंस को लाइबिलिटी में डाल देंगे। सो हमारा 347 प्लस 1121, 1121 प्लस 10 प्लस 20, 1498। मुझे कोई और करंट एसेट्स नजर नहीं आ रहे, अगर कोई और करंट एसेट्स होंगे तो वो भी आपको इसके अंदर एडजस्ट करने पड़ेंगे। लेट मी हैव अ लुक, इन्वेंट्री, कैश, प्री पेमेंट्स, बैंक बैलेंस नेगेटिव, रिसीवेबल आ गए, लैंड एंड बिल्डिंग, सारी चीजें आ गई। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो टोटल एसेट्स हमारे पास आ जाएंगे, टोटल एसेट्स कितने बनेंगे, 4120 प्लस 1498, 5618 का, ये हमारी बैलेंस शीट की एक साइड कंप्लीट हो गई, टोटल एसेट्स। अब यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बोले, ऑब्वियसली लेंथी कैलकुलेशन है तो इसकी तुम रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना कि प्रैक्टिस कर लेना सेपरेटली। बाकी कोई चीज अगर वर्किंग वगैरह समझ में ना आए तो वो इजीली समझ में आ जाए तुम लोगों को, और मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पर, तो मैसेज कर देना कि हम स्टूडेंट वाला अलम F3 वगैरह, ताकि पता लगे कि कौन सा स्टूडेंट है। अच्छा जी, एसेट्स फाइंड आउट करने के बाद बैलेंस शीट का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो होता है इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, यानी कि शेयर कैपिटल वाला पार्ट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जो इसका अगला पार्ट होता है। और इसके अंदर सबसे पहले हम शेयर होल्डर्स की इक्विटी फाइंड आउट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनवाया था लास्ट क्लास में, तो हमारे पास शेयर कैपिटल होना चाहिए, हमारे पास शेयर प्रीमियम होना चाहिए, इसके साथ रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा, और आखिर में रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी। ये रिटेन अर्निंग्स हमारी, तो ये हमारी इक्विटी साइड कंप्लीट हो जाएगी। अब आप सवाल में देखें तो सवाल में सारी चीजें या तो एडजस्टमेंट्स में होंगी या हम ढूंढेंगे। ये शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ये शेयर प्रीमियम दिया हुआ है,
रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस ये दिया हुआ है 410, तो यहां से मैं इसकी एडजस्टमेंट अब नीचे सवाल में कॉपी कर लेता हूं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो शेयर कैपिटल आपको जो दिया हुआ है 2340 का एज इट इज ले लें। प्रीमियम में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी वो ले लें। सरप्लस इस दफा जो हमने कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट से, तो सरप्लस आ रहा था 925 का, ये सरप्लस ले लें 925 का। रिटेन प्रॉफिट हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में रखा हुआ था, रिटेन प्रॉफिट 410, और इस साल हमने प्रॉफिट कमाया 315 का, 315 का प्रॉफिट कमाया, ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ था 410, डिविडेंड इस साल कोई भी नहीं है वरना माइनस कर देते, 410 में हमने 315 ऐड किया, 725 का रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इनको प्लस कर लेते हैं तो आपके पास शेयर होल्डर्स की इक्विटी आ जाएगी 4250 की, शेयर होल्डर की इक्विटी साइड आ गई, इसको कहते हैं इक्विटी साइड। अब सिर्फ हमारे पास एक चीज रह गई है और वो है लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड के ऊपर हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज भी आती हैं, करंट लायबिलिटीज भी आती हैं, तो अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन होता है वो होता है नॉन करंट लायबिलिटीज का। एक दफा बनाने से ना इस तरह की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पर हाथ साफ नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन घर पे बैठ के ट्राई करने हैं, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो लोन नोट्स हैं, लोन नोट्स थोड़े से गड़बड़ कर रहे हैं, लोन नोट्स 614 लग रहे हैं मुझे, लोन नोट्स 614 ट्रायल बैलेंस के अंदर 614, उसके बाद हमने करंट लायबिलिटीज ली, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल आएगा, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटीज में अक्रूड वेजेस आएंगी, जो हमने एक एंट्री पास की थी अक्रूड वेजेस की, टैक्स पेबल आएगा, जो हमने एडजस्टमेंट के अंदर टैक्स पेबल बुक किया था वो आएगा, और इसके अलावा ट्रायल बैलेंस के अंदर देखते हैं सवाल को एक नज़र और क्या आएगा। ये तो मैंने फिगर ले ली जो मुझे याद पड़ती हैं। अच्छा, इसके अलावा बैंक बैलेंस हमें दिया हुआ है 124 का, बैंक बैलेंस भी नेगेटिव है, लायबिलिटी साइड पर रखा हुआ है 124। अच्छा जी, एडजस्टमेंट्स के अंदर जो लायबिलिटी थी वेजेस एंड सैलरीज की अक्रूड, वो मैंने ले ली, और मेरे हिसाब से ये बैलेंस आ गया है, कोई रह गया हो तो बाद में देखेंगे। ₹754 की करंट लायबिलिटीज, जहां तक मुझे जो चीजें याद रह गई उसके हिसाब से हमने देख ली। बैलेंस शीट आउट होगी तो पकड़ में आ जाएगा, नहीं आउट होगी तो वेरी गुड। तो एसेट साइड हमारी कितनी आ रही थी 5618, लायबिलिटी और इक्विटी साइड भी कितनी आ रही है 5618, परफेक्ट हो गए, तो पहले गो में बैलेंस शीट टाई हो गई। डन जी, एसेट साइड 5618, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड 5618। अब बोलो, हो गया सवाल कंप्लीट?